सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं डिजिटेक की तरफ से 3-axis हैंडहेल्ड गिम्बल स्टेबलाइजर फॉर स्मार्टफोन। ओके, सो ये जो स्टेबलाइजर है, ये जो गिम्बल है, ये कैसा है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है इसके और कैसे यूज हैं, टोटल डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो जल्दी शुरू करते हैं इस अनबॉक्सिंग को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है बॉक्स डिजिटेक 3-axis गिम्बल स्टेबलाइजर फॉर स्मार्टफोन। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है एंड यहाँ पे बड़े बड़े उसके ब्रांडिंग्स हैं और कुछ छोटे छोटे यहाँ पे नीचे स्पेसिफिकेशंस भी लिखे गए हैं। मेड फंक्शन क्या लिखा हुआ है यार, मेड फंक्शन ऑन एंड ऑफ बटन कौन सा है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है इसमें, USB सॉकेट फॉर चार्जिंग, ये सब डिटेल छोटा छोटा मतलब हाईलाइटिंग फीचर्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया और डिटेल्स यहाँ पे थोड़े थोड़े वो लोग लिखे हुए हैं। राइट साइड में यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, गिम्बल किस तरह का शो होगा मोबाइल लगाने के बाद। ये देखिए, स्मार्टफोन आपका माउंट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, ट्राइपॉड भी उसमें अटैच्ड है। तो बॉक्स के अंदर हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। पीछे साइड यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है एंड पीछे साइड यहाँ पे डिटेल दिया गया है कौन से बटन्स कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या उसके यूज़ हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, रोल मोटर कहाँ पे है, टिल्ट मोटर कहाँ पे है, पेन मोटर कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ से होती है, पावर ऑन बटन, जॉयस्टिक्स कहाँ पे हैं, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सो अभी हम करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। सो बॉक्स के अंदर मिल जाता है ये सब। ठीक है ना, सबसे पहले यूज़र मैनुअल, यहाँ पे डिटेल उसके लिखे होते हैं, यानी कि कानूनी दस्तावेज कागजात, इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से नहीं, क्या करना है क्या नहीं, एक इम्पॉर्टेंट डिटेल वगैरह है, इम्पॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है यहाँ ऊपर पे। ये सब ज़्यादातर कोई पढ़ता नहीं है, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। ठीक है ना, इसको साइड रखते हैं और एक कॉशन के लिए यहाँ पे एक और कार्ड जैसा दिया हुआ है एंड QR कोड है, इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, लिखा हुआ है सब डिटेल्स, इसे रख देते हैं साइड में। और अभी यहाँ पे मिल जाता है एक स्ट्रैप। ठीक है ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है ये, इसे कैरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉक्स आप राइट साइड में देख रहे हैं इसी में हमारा गिम्बल है। एक ट्राइपॉड मिल जाता है आपको छोटा सा, जिसमें हम हमारे गिम्बल को स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इस कंपार्टमेंट को। एक केस है ये, अच्छी क्वालिटी का केस है, इस केस के अंदर ही हमें मिल जाता है हमारा गिम्बल। ये देखिए हो गया, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, काफ़ी बढ़िया है एंड केबल भी इसी के अंदर दिया हुआ है और ज़्यादा मतलब हैवी वेट नहीं है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा, मतलब हैंडी है। और केबल मिलता है आपको और एक छोटा सा यहाँ पे और एक स्ट्रैप टाइप का मिल जाता है, की चेन टाइप का, इसे साइड में रखते हैं। केबल यहाँ पे मिल जाता है, माइक्रो USB चार्जिंग केबल, और ये है हमारा गिम्बल। वाओ, सच में बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है इसे पकड़ के। इसे बोलते हैं 3-axis गिम्बल फॉर स्मार्टफोन। सो मैं स्मार्टफोन लगा के भी आपको इसमें दिखा दूंगा एंड ये काफ़ी बढ़िया है और बटन्स भी यहाँ पे हैं, काफ़ी स्मूथली मूव कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक पावर बटन यहाँ पे दिया हुआ है एंड ये पावर बटन तो नहीं है, ये आपका शायद सेल्फी के लिए होगा, क्लिक करने के लिए या फिर ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे जॉयस्टिक यहाँ ऊपर दिया हुआ है और ये बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पीछे साइड आप माउंट कर सकते हैं नीचे आप अपने ट्राइपॉड को। सो यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है, इसे ओपन करने के लिए दिया हुआ है एंड उसे पुश करके आप ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, जो स्मार्टफोन के लिए है ज़्यादा मतलब टाइट नहीं है, काफ़ी लो कॉस्ट के जो होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं एंड काफ़ी अच्छा है ये। इसे यहाँ पे देखिए, माइक्रो USB केबल के लिए दिया गया है एंड USB के लिए भी दिया गया है, सारे पोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस इतना ही मिल जाता है आपको इस बॉक्स के अंदर डिजिटेक का गिम्बल। चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं,
और देखते हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये गिम्बल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर मेरा ये वीडियो मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ये गिम्बल आप परचेज करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर करें। मेरे हिसाब से तो ये गिम्बल एक बढ़िया प्रोडक्ट है एंड बहुत प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है एंड एक एवरेज प्राइस है इसका, बहुत ही बढ़िया है और आपके नीड्स को भी ये फुलफिल कर पाएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन जय हिंद।